आप लोग भी जब प्रीपोजिशन यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कब जो है सो इन का यूज करेंगे, कब ओन का यूज करेंगे, कब एट का यूज करेंगे। तो उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले जो है सो हम एट हो गया, अगेंस्ट हो गया, ओवर हो गया, इस सब को डिस्कस कर चुके हैं और आज आपको डिस्कस करने वाले हैं इन को कि कब कब हम इन का यूज करते हैं। ठीक है, टू द पॉइंट जो है सो आप अगर मेरे किसी भी वीडियो को देखे होंगे तो उसमें देखे होंगे कि हम टू द पॉइंट बोलते हैं और जितना आपको ज़रूरत है, जिस तरह से आप समझेंगे उस तरह से हम आपको समझाते हैं, बहुत ही साधारण भाषा में समझाते हैं, क्योंकि मेरा मकसद होता है आपको समझाना, ये नहीं कि बातों में ज़्यादा उलझा देना। ठीक है, तो चलिए पहले इन के प्रयोग को समझते हैं। फर्स्ट, इन का यूज कहाँ करेंगे? तो अगर कोई राज्य हो, देश हो, महादेश हो, महानगर हो, इस सब का अगर नाम हो तो इसके पहले हम किसका यूज करते हैं? इन का यूज करते हैं। जैसे कोई राज्य, मैं अपना ही लेता हूं, बिहार हो गया, इंडिया हो गया, एशिया हो गया, मुंबई हो गया, तो इस सब अगर हो तो इसके पहले किसका यूज करेंगे? इन का यूज करेंगे। सिंपल भाषा में समझो, जैसे इन बिहार, इन इंडिया, इन एशिया। अगर मुंबई हो, जैसे महानगर लेते हैं तो मुंबई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? इन मुंबई। तो ये सब अगर आ जाए तो इसके पहले हम किसका यूज करेंगे? इन का यूज करेंगे। ठीक है, किसका यूज करेंगे? इन का यूज करेंगे। और अगर एक साथ दो आ जाए, ये सब देख रहे हो, यानी राज्य, देश, महादेश, महानगर, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं, कंट्री बोलते हैं, कॉन्टिनेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इस सब के पहले हम किसका यूज करते हैं? इन का यूज करते हैं। अब टू द पॉइंट इसको समझ गए होंगे। चलिए, अब बार बार जो है सो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर अगर दो जगह अगर दिया रहे, दो स्थान का नाम जो है सो एक ही साथ दिया रहे और उसका अगर यूज करना हो एक ही सेंटेंस में, और कोई स्थान छोटा हो कोई स्थान बड़ा हो, तो हम किसके लिए किसका यूज करेंगे? ठीक है, जैसे मान के चलो अगर हम लेते हैं कि बिहार, या कोई सेंटेंस है कि आई लिव बेगूसराय इन बिहार। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि बिहार क्या है? बड़ा स्थान है। बिहार क्या है? बड़ा स्थान है। और बेगूसराय क्या है? छोटा स्थान है। तो अगर एक ही साथ बड़ा स्थान और छोटा स्थान दोनों का नाम दिया रहे तो हम क्या करेंगे? तो बड़ा के पहले जो है सो हम इन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? इन का यूज करेंगे। और छोटा के पहले किसका यूज करेंगे? एट का यूज करेंगे। ये क्वेश्चन बार बार जो है सो पूछा जाता है, अक्सर जो है सो पूछते हैं कि कब किसका जो है सो हम यूज करेंगे। तो आप समझ गए, जब भी कोई बड़ा स्थान रहे तो इनका यूज करेंगे, छोटा स्थान रहे तो एट का यूज करेंगे। और एट का प्रीपोजिशन, एट का प्रयोग जो है सो हम बहुत ही डिटेल से पढ़ा चुके हैं। अगर आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लीजिए, और अगर अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। आज तक अगर आप इंग्लिश नहीं सीखे हैं और इंग्लिश सीखने का जो है सो अगर सपना पूरा करना चाहते हैं तो हमसे जुड़ जाइए, और बातों ही बातों में हम आपको इंग्लिश सिखा देंगे। ठीक है, पता ही नहीं चलेगा कि कब आपको इंग्लिश आ गया, जिस चीज़ से आपको फोबिया था, जिस चीज़ से आपको डर लगता था, अरे यार जब भी यूज करने चलो तो प्रीपोजिशन में उलझ जाते हैं, एट, इन, ऑन, अपॉन, अगेंस्ट, बहुत उलझा देता है। ठीक है, लेकिन जब आप मेरा वीडियो देखेंगे तो आप कहीं भी नहीं उलझेंगे, आपको लगेगा कि जैसे हम लोग बातचीत करते रहते हैं ना, वैसे बातचीत करते करते जैसे हम इंग्लिश को सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका पार्ट ऑफ द डे, पार्ट्स ऑफ द डे और नाइट। दिन या रात का जो बड़ा बड़ा पार्ट होता है, बड़ा बड़ा भाग होता है ना, उसके पहले भी हम इन का यूज करते हैं। जैसे मॉर्निंग दिन का एक बड़ा भाग है, इवनिंग दिन का एक बड़ा भाग है। ठीक है, मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, या फिर इन द नाइट बोल सकते हो, इन द डे बोल सकते हो, पूरी दिन ही ले लेते हैं। तो इस सब के पहले किसका यूज करोगे? इन का यूज करोगे। किसका यूज करोगे? इन का यूज, इन मॉर्निंग, इन इवनिंग, इन द नाइट, इन द डे। ओके,
हेलो, लेकिन यहाँ पर जैसो एक सवाल आप बार बार करते हैं कि सर एट का भी यूज तो जैसो होता है पार्ट्स ऑफ द डे और नाइट के पहले, तो जब जब पार्ट्स ऑफ द डे बड़ा हो, जैसे 3 घंटा 4 घंटा को मॉर्निंग हम कब से बोलना शुरू करते हैं, तो 5 बजे सुबह से लेके जैसो 10 11 बजे तक जैसो मॉर्निंग मॉर्निंग करते हैं, तो 5 6 घंटे का हो जाता है। इवनिंग कब से बोलना शुरू करते हैं, तो 3 बजे से लेके रात के जैसो 7 8 बजे तक हम इवनिंग बोलते रहते हैं, तो बड़ा सा हो गया। लेकिन जब छोटा सा पार्ट हो, दिन या रात का जब छोटा सा पार्ट हो, इससे पहले हम एट के यूज में ये चीज़ें आपको बता चुके हैं, जैसे सनराइज। सनराइज क्या है, छोटा सा है यानी आधा घंटा में सनराइज हो जाता है। सनसेट क्या है, सूरज सूरज जो है सो डूबता है, तो आधा घंटा में यह डूब जाता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम नून बोलते हैं तो नून ज़्यादा ज़्यादा 1 घंटे का नून होता है, ठीक है। मिडनाइट अगर हम बोलते हैं तो मिडनाइट क्या होता है, ये भी जो है सो बहुत कम समय के लिए होता है। तो अगर ये छोटा सा पार्ट अगर रहे तो हम इसके पहले एट का यूज करेंगे, क्या हो जाएगा, एट सनराइज, एट सनसेट, एट नून, एट मिडनाइट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि पार्ट्स ऑफ द डे या नाइट के पहले जैसे हम इनका भी यूज करते हैं और एट का भी यूज करते हैं। जब बड़ा सा पार्ट हो तो इनका यूज करेंगे, जब छोटा सा पार्ट हो तो एट का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को जैसे हम समझते हैं, और आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट है कि जैसे मंथ का नेम हो गया, मंथ हो गया, ईयर हो गया, डिकेड हो गया। डिकेड समझते हो किसको बोलते हैं, 10 साल को बोलते हैं, ठीक है। जैसे सेंचुरी हो गया, तो इस सब के पहले जो है सो हम किसका यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हम क्या बोलते हैं, फरवरी, मार्च, ठीक है, मार्च हो गया, या ईयर बोलते हैं इन 2011, ठीक है। डिकेड बोलते हैं 10 साल का, जैसे सेंचुरी बोलते हैं 100 को, तो ये क्या हो जाएगा, इन का यूज हो जाएगा, इन मार्च, इन 2011, इन 20th सेंचुरी। जैसे हम क्या बोलते हैं, 20वीं शताब्दी, क्या हो जाएगा, 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन 20th सेंचुरी। तो किसके पहले हम यूज करते हैं, जब मंथ हो गया, ईयर हो गया, डिकेड हो गया, सेंचुरी हो गया, तो इस सब के पहले जैसे हम यूज करते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि दो चीज़ें ऐसी होती है जिसके पहले हम ऑन का यूज करते हैं, और वो दो चीज़ें क्या होता है, एक होता है डेट और दूसरा क्या होता है, डे होता है। इसके पहले हम ऑन का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हम क्या बोलते हैं, 21st मार्च, तो क्या हो जाएगा, ये डेट हो गया, ऑन का यूज करेंगे। या फिर हम क्या बोलते हैं, मंडे, ये मंडे क्या हो गया, डे हो गया, मंडे क्या हो गया, डे हो गया, तो किसका यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। तो आप ये समझ चुके हैं, अगर डेट या डे रहेगा तो ऑन का यूज करेंगे, लेकिन अगर मंथ, ईयर, डिकेड, सेंचुरी ये सब अगर रहता है तो हम किसका यूज करते हैं, तो इन का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो सकता है, ठीक है। एक जो है सो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो हम वहाँ बतलाना भूल गए आपको, जहाँ पर जैसो इन द नाइट, डे या नाइट के पार्ट को जैसो पार्ट के पहले हम इनका और एट का यूज करते हैं। तो एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, उसका हम यूज भी सबसे ज़्यादा करते हैं और कंपटीशन में भी उसका यूज सबसे ज़्यादा करते हैं, वो एक होता है क्या, इन द नाइट। आपको पता है इन द नाइट, इन द नाइट और एट नाइट दोनों में क्या अंतर है, इन द नाइट और एट नाइट दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। तो इन द नाइट क्या होता है, इन द नाइट होता है कोई खास रात, यहां लिख देते हैं आपको समझ में आएगा, कोई खास रात अगर होता है तो वो क्या होता है, इन द नाइट होता है। लेकिन अगर प्रत्येक रात की अगर हम बात करेंगे या हर एक रात की अगर हम बात करेंगे तो हम एट नाइट का यूज करते हैं। कोई खास रात होती है, जैसे बर्थडे की रात होती है, मैरिज एनिवर्सरी की रात होती है, किसी पार्टी में जैसे हो जाते हैं, या कोई खास ऐसा दिन था जिस दिन की कोई इंसिडेंट हुआ था, यानी कोई घटनाएं अगर घटी थी तो हम इन द नाइट का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन जब प्रत्येक रात की बातें करेंगे, हम क्या बोलेंगे कि रात में जो है सो मून दिखाई देता है, रात में जो है सो स्टार्स दिखाई देते हैं,
तो ये तो प्रत्येक रात मून या स्टार्स दिखाई देते हैं, ठीक है। अब इस पर कोई ये नहीं कहिएगा कि मून तो 15 दिन ही दिखाई देता है, एक हम एग्जाम्पल आपको बता रहे थे, ठीक है। स्टार्स तो हर रात दिखाई देते हैं ना, तो यहाँ पर जैसे जब हर रात की बात करेंगे तो हम किसका यूज करेंगे, एट नाइट की बातें करेंगे, लेकिन जब कोई खास रातें होगी तब हम इन द नाइट की बातें करेंगे। ये कंपटीशन में भी ज़्यादा करके पूछा जाता है और फिर यूज भी हम ज़्यादा करते हैं, क्योंकि हम किसी जगह पर अगर बोल दिए इन द नाइट तो आदमी क्या समझ जाएगा कि ओ कोई खास रातें की बात बोल रहा है, लेकिन हम बोलते हैं एट नाइट तो क्या लगता है कि ओ ये तो हर एक रात की बातें बोल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जैसे ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है सो आपका डिस्कस करते हैं। एक चीज़ और आपको समझना पड़ेगा, जैसे हम किसी को बोलते हैं ना कि ही इज इन रेड शर्ट, ही इज इन रेड शर्ट, इसका मतलब क्या हो गया कि वह रेड कलर का शर्ट पहने हुए है। जैसे हम क्या बोलते हैं, सी इज इन ब्लैक साड़ी, इसका हम मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि वह जैसो ब्लैक कलर का जैसो साड़ी पहनी हुई है, क्या पहनी हुई है, ब्लैक कलर का साड़ी पहनी हुई है। तो हम किसी को ड्रेस को भी बतलाने के लिए, किस चीज़ को बतलाने के लिए, ड्रेस को बतलाने के लिए भी जैसो हम किसका यूज करते हैं, इन का यूज करते हैं, ठीक है। आपको बोले थे ना कि बातों बात में जैसो आप प्रीपोजिशन को सीख जाएंगे, कभी भी सिर में दर्द नहीं होने देंगे हम आपको, कभी भी सिर में दर्द नहीं होने देंगे, बातों बातों में जैसे हम आपको प्रीपोजिशन सिखला देंगे। और एज इन का जैसो करीब करीब सभी रूल बता चुके हैं, एक रूल बता हुआ है और वो है कि जब किसी चीज़ के अंदर अगर कोई चीज़ें रहता है, यानी मे के सेंस में जैसो हम इन का यूज करते हैं, किसके सेंस में, मे के सेंस में हम इन का यूज करते हैं। जैसे कि कोई मान के चलो रूम के अंदर में है, क्या बोलते हो, ही इज इन द रूम, कहाँ है, ही इज इन द रूम, ठीक है, ही इज इन द रूम, वह कहाँ है, रूम के अंदर में है। जैसे हम क्या बोलते हैं, अ कैट इज इन द वेल, यानी कुआं है तो कुआं के अंदर में जो है सो क्या है, एक बिल्ली है। जब कोई भी चीज़ कहीं से घिरा हुआ रहता है ना, और घिरा हुआ चीज़ के अंदर में अगर हम कोई चीज़ रखते हैं तो वो क्या होता है, इन का यूज होता है। लेकिन जब मोशन बतलाता है ना तब हम इन टू का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, इन टू का यूज करते हैं। जैसे कि मान के चलो कि कोई कैट जो है वो ज़मीन पर से जैसे कहाँ चला गया, कुआं में चला जाता है, उछल के छलांग लगा के, तब हम किसका यूज करते हैं, जैसे हम क्या बोलेंगे, अ कैट वेंट इन टू द वेल, इसका मतलब क्या हो गया कि कैट कहाँ था, जमीन पर था, कैट कहाँ थी, जमीन पर थी, और जमीन पर से वो छलांग लगा के जैसे कहाँ चली जाती है, कुआं में चली जाती है। तो जब मोशन बतलाते हैं ना तब हम इनटू का यूज करते हैं। हालांकि हम अगला वीडियो जैसो आपके लिए इनटू ही अपलोड करने वाले हैं, आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और आपको लगता है कि आपके लाइफ में ये कुछ भी वैल्यू एडेड कर सकता है तो आप थोड़ा सा लाइक करके सपोर्ट कर दीजिए। यानी अगर आपके लाइफ में हम कुछ वीडियो इस वीडियो के माध्यम से अगर कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं और आप अगर यहाँ तक देख लिए हैं तो आप लाइक करके मेरे भी लाइफ में थोड़ी सी वैल्यू ऐड कर दीजिए, ताकि हम भी जैसो आगे इसी एनर्जी के साथ वीडियो अपलोड करते रहें। तब तक जैसो हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।